तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने केस की समाअत की। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज भी पेश हुए। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसीक कर दी है। उमर अयूब ने अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईन में हाइब्रिड निजाम की गुंजाइश है। जमहूरी निजाम में आजादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 2021 में जिस सोशल मीडिया टीम को अवार्ड मिले, आज उनकी पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ का कसूर ये है कि वो आईन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने ऑडियो लीक केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शरीक मुलजिम असद खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकर ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया। पीटीआई की लॉन्ग मार्च में अली अमीन गंडापुर की एक शख्स के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने पूछा था कि बंदूकें कितनी हैं, जिस पर दूसरे शख्स ने बताया था बंदूकें बहुत हैं।